हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एसोसरीज और इलेक्ट्रिकल एसोसरीज से जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, उससे पहले प्लीज आप लोग डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आप लोग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी को फॉलो कर सकते हैं बारी बारी से। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, उच्च वियोजन क्षमता HVC वाले फ्यूज बहुत डैश प्रतिक्रिया करते हैं और प्रारंभिक प्रोत्कर्ष और एक अधिक भार के बीच डैश कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यानी कि बहुत तेज से क्या करेगा, यानी कि भेद करेगा, है ना। बहुत तेज से क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, साथ ही साथ प्रारंभिक प्रोत्कर्ष और एक अधिक भार के बीच जो है यानी कि भेद कर सकते हैं। तो तेज और भेद जो दिया हुआ है, ऑप्शन किसमें दिया है, ए में करा धीमी गति से भेद नहीं, तो ये तो गलत दिया हुआ है भाई, तेज गति से भेद करेगा। बी में दिया हुआ है धीमी गति से भेद, तो धीमी गति से भेद नहीं करता है, तेजी से भेद नहीं, यानी कि करता तो है लेकिन तेजी से भेद करता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, तेजी और भेद। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार की फ्यूज का उपयोग किया जाता है। किसके लिए कह रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिकल के लिए और साथ ही साथ किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक के लिए, और इस दोनों की सुरक्षा के लिए दोस्तों, यानी कि जो प्रयोग करते हैं, है ना, मेनली रूप से जो प्रयोग किया जाता है, फेरुल कार्टेज फ्यूज का प्रयोग करते हैं। किसका, फेरुल कार्टेज फ्यूज का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, फेरुल कार्टेज फ्यूज, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस सिद्धांत पर फ्यूज काम करता है, यानी कि फ्यूज जो है किसके सिद्धांत पे काम करता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि फ्यूज जो वर्क करता है, ये हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। किस पे, करंट के, यानी कि हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। ऑप्शन किस में दिया, हीटिंग इफेक्ट, ए में करा है प्रतिरोध के ताप प्रभाव पे, तो ताप प्रभाव पे वर्क नहीं करता है प्रतिरोध के, वोल्टेज के ताप प्रभाव पे भी वर्क नहीं करता है, और इलेक्ट्रॉन का ताप प्रभाव पे भी वो ये वर्क नहीं करता, ये जो वर्क करता है करंट के ताप प्रभाव पे वर्क करता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, कौन से फ्यूज आकार में यानी कि बड़े हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि बड़े वाला पूछ रहा है, और सबसे बड़ा जो फ्यूज होगा आकार में, वो डीसी फ्यूज होगा, ठीक है। जितना यानी कि डीसी फ्यूज होगा, उसका जो आकार होता है बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। उसका आकार की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो यानी कि बहुत बड़ा होता है। ऑप्शन किस में दिया है, यानी कि बड़ा, यानी कि डीसी फ्यूज किस में दिया हुआ है, तो ए में दिया हुआ है डीसी फ्यूज। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए में दिया हुआ है डीसी फ्यूज। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न यह है, निम्न में से, आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च वोल्टेज फ्यूज है, यानी कि उच्च वोल्टेज फ्यूज कौन सा है, उसके बारे में हमको बताना है। ए में कह रहा है कार्टेज टाइप HRC फ्यूज, ठीक है। क्या कह रहा है, यानी कि कार्टेज टाइप HRC फ्यूज, ये तो बड़ा फ्यूज ही है, ऑप्शन बी पढ़ लेते हैं। उसके बाद कह रहा है यानी कि स्ट्राइकर टाइप फ्यूज, तो इसके अपेक्षा ये छोटा है, डिवाइडेबल फ्यूज भी इसके अपेक्षा छोटा है, साथ ही साथ डी में जो दिया है ड्रॉप आउट टाइप फ्यूज सबसे छोटा दिया है। तो यानी कि सबसे बड़ा पूछ रहा है, यानी कि हाई वाला पूछ रहा है, यानी कि ऊंच वाला पूछ रहा है। तो ए में जो दिया HRC फ्यूज, HRC का फुल फॉर्म होता है हाई रेपचरिंग कैपेसिटी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कारा क्वेश्चन में अंकीय रिले में, ठीक है, अंकीय रिले में ऑन और ऑफ अवस्था को द्विआधारी संख्या क्रमशः डैश और डैश के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ऑन और ऑफ की बात है, और ऑन ऑफ की अगर बात किया जाए, तो ये जो यानी कि दर्शाता है एक और साथ ही साथ यानी कि जीरो के रूप में दर्शाया जाता है, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, एक और जीरो, ऑप्शन जो दिया है बी में दिया है एक और जीरो। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एयर ब्लास्ट का उपयोग किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में उच्च दबाव वाले एयर ब्लास्ट का उपयोग आर्क बुझाने वाले माध्यम के रूप में किया जाता है। और देखिए दोस्तों, यानी कि आर्क के लिए अगर बात किया जाए, है ना, आर्क के लिए अगर बात किया जाए, तो मेनली रूप से एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं। किसका, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का, ए बी यानी कि CB का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, ABCB। तो ये जो दिया हुआ है दोस्तों, ABCB यानी कि सी में दिया है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में कौन सा कम वोल्टेज फ्यूज का एक उदाहरण है, यानी कि कम वोल्टेज फ्यूज का उदाहरण क्या है। ए में करा कारतूस प्रकार के एचआरसी फ्यूज, बी में है यानी कि लिक्विड टाइप एचआरसी फ्यूज, सी में दिया एक्सपल्सन टाइप एचआरसी फ्यूज और डी में दिया ड्रॉप्ट आउट टाइप फ्यूज। तो देखिए दोस्तों, यानी कि वोल्टेज की अगर बात किया जाए और यानी कि कम वोल्टेज वाला हमसे पूछ रहा है, और कम वोल्टेज जो होगा ऑप्शन जो डी में दिया है ड्रॉप आउट टाइप फ्यूज, इसका यानी कि वोल्टेज बहुत कम होता है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन फ्यूज तत्व की विशेषता नहीं है, यानी ए में कह रहा है कम मल्टिंग पॉइंट, बी में कह रहा है कम कंडक्टिविटी और सी में कह रहा है यानी कि ऑक्सीकरण से प्रभावित नहीं और डी में दिया है कम ओमिक नुकसान। तो देखिए दोस्तों, यानी कि ये इसका जो मेनली जो तत्व जो विशेषता नहीं है ये होता है यानी कि लो कंडक्टिविटी। फ्यूज में कभी भी लो कंडक्टिविटी नहीं होता है, फ्यूज में हमेशा यानी कि हाई कंडक्टिविटी होता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो राइट आंसर यानी कि नहीं वाला हमको पहचानना था। करेक्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन बी में दिया है नॉट इज पॉसिबल, जो गलत दिया हुआ है। लो कंडक्टिविटी कभी भी फ्यूज तत्व में नहीं है, इसका विशेषता नहीं है, हाई कंडक्टिविटी हमेशा होता है फ्यूज में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन से फ्यूज की करंट रेटिंग ऑपरेटिंग तापमान डैश है, किसका यानी कि फ्यूज की करंट रेटिंग का जो ऑपरेटिंग तापमान होता है वो क्या होता है भाई। तो देखिए दोस्तों, यानी कि इस ऑपरेटिंग तापमान की अगर बात किया जाए, है ना, ऑपरेटिंग तापमान की बात किया जाए तो ये जो है यानी कि वैध कर्मानुपाती होता है। क्या होता है? वैध कर्मानुपाती होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है वैध कर्मानुपाती। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कौन सा फ्यूज ऑयल सर्किट ब्रेकर के विकल्प के रूप में काम करता है, यानी कि ऑयल सर्किट ब्रेकर में, ठीक है, ओसीबी में। ऑयल सर्किट ब्रेकर में दोस्तों यानी कि मेनली रूप से जो प्रयोग किया जाता है मेटल क्लैड ऑयल इमर्ज्ड फ्यूज मेटल पे, ठीक है। इसका यानी कि हिंदी की अगर बात किया जाए तो मेटल चढ़ा हुआ तेल में डूबा फ्यूज, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, मैग्नीट्यूड रिले डैश भी कहा जाता है, यानी कि मैग्नीट्यूड रिले का यानी कि अन्य नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, मैग्नीट्यूड रिले का अन्य नाम की बात किया जाए तो इंडक्शन रिले है। क्या है? यानी कि इंडक्शन रिले है। मैग्नीट्यूड रिले का यानी कि अन्य नाम की बात किया जाए तो इंडक्शन रिले है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है इंडक्शन रिले। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा इंडक्शन टाइप रिले का उदाहरण नहीं है, ठीक है। ए में कर रिलैक्सेशन पोल, बी में कर इंडक्शन कप, सी में कर शेडेड पोल और डी में कर वाट आवर मीटर रिले। तो देखिए दोस्तों, यानी कि इंडक्शन का जो टाइप नहीं है वो हमको बताना है, और इंडक्शन का टाइप जो है यानी कि रिलैक्सेशन पोल जो दिया है ऑप्शन ए में, ये इंडक्शन का टाइप नहीं है, जबकि बी वाला, सी वाला और डी वाला, ये जो दिया इंडक्शन कप रिले, शेडेड पोल और वाट आवर मीटर रिले जो है यानी कि इंडक्शन का यानी कि उदाहरण है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाला हमको पहचानना था। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, विद्युत सर्किट के शॉर्ट सर्किट सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, किसके लिए, यानी कि शॉर्ट सर्किट के लिए। और दोस्तों यानी कि शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो देखिए दोस्तों यानी कि शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए जो मेनली रूप से प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मेनली रूप से जो प्रयोग किया जाता है फ्यूज का प्रयोग करते हैं। किसका? फ्यूज का प्रयोग करते हैं। ए में करा प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का प्रयोग नहीं करेंगे, ना ओवरलोड रिले का प्रयोग करेंगे, ना कॉन्टैक्टर का प्रयोग करेंगे, ओनली फॉर शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए फ्यूज का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर डी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, SF6 परिपथ वियोजक में आर के सामने के दौरान गैस, ठीक है ना, ए में करा यानी कि एस तथा एफ आयन में विखंडित हो जाती है, ठीक है। बी में कह रहा है यानी कि SF4 तथा SF2 में विखंडित हो जाती है। डी में कह रहा है का ऑक्सीकरण हो जाता है, और डी में कह रहा है कि SF3 में बदल जाती है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि मेनली रूप से जो होता है यानी कि SF4 जो है SF2 में यानी कि विखंडित हो जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक आदर्श परिपथ विच्छेद को प्रदान करनी चाहिए, यानी कि आदर्श परिपथ विच्छेद को क्या प्रदान करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यानी कि इसे प्रदान करने की अगर बात किया जाए, ए में कह रहा है क्रमशः रुकावट से पहले और बाद में शून्य और अनंत प्रतिपथ है, ठीक है भाई, ये तो ठीक है। बी में कह रहा है क्रमशः रुकावट से पहले और बाद में अनंत और शून्य, तो अनंत और शून्य नहीं भाई, शून्य और अनंत प्रतिपदा होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन ए मैच खा रहा है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। तो आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है,
कह रहा है कि ELCB का पूरा नाम क्या है, यानी कि ELCB का, ठीक है, इसका पूर्ण रूप होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना। क्या होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ए में कह रहा है इलेक्ट्रोलाइट सर्किट ब्रेकर, ये तो नहीं है भाई, अर्थ लीकेज करंट ब्रेकर, तो करंट ब्रेकर नहीं होता, सर्किट ब्रेकर होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा क्वेश्चन में किस युक्ति को सुरक्षा युक्ति की तरह प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, सुरक्षा युक्ति की अगर बात किया जाए, है ना, सुरक्षा युक्ति की अगर बात किया जाए तो यानी कि फ्यूज को, मेनली रूप से यानी कि फ्यूज को सुरक्षा युक्ति की तरह प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, फ्यूज। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि परिपथ वियोजक की विच्छेदन क्षमता को सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है, और परिपथ वियोजक की विच्छेदन क्षमता को जो व्यक्त किया जाता है, मेनली रूप से इसे व्यक्त करते हैं यानी कि MVA में, ठीक है, मेगा वोल्ट एम्पियर में व्यक्त करते हैं, जो कि ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि एम्पियर में, तो एम्पियर में व्यक्त नहीं करते हैं, धारा का यूनिट एम्पियर होता है, विभो में व्यक्त नहीं किया जाता है ना, मेगावाट में व्यक्त किया जाता है, इसे MVA में व्यक्त किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि कौन सी युक्ति भूत दोष से सुरक्षा के लिए प्रयुक्त होती है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि भूत दोष से सुरक्षा के लिए हम ELCB का प्रयोग करते हैं, किसका, ELCB का, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन बी में दिया, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूं आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे, अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।